माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर कांटी मुजफ्फरपुर में है, जो कांटी ब्रिज कांटी थर्मल प्लांट के पावर प्लांट के जस्ट बगल में ही है। ये बाहर का है, प्रसाद का दुकान उधर में है। तो चलिए मंदिर में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे कुछ नोटिस है, अरे पता ना तोड़ दीदी, यहाँ से प्रसाद मिलता है दो तरह का। अच्छा प्रसाद पूजा तो कर लिया, आपके पास दो तरह का प्रसाद है ना सर? प्रसाद दो तरह का प्रसाद एक ही तरह का है, अगर आप जैसे कि पूजा करने के लिए संपूर्ण प्रसाद बना है, आप अगर संपूर्ण प्रसाद लेंगे तो संपूर्ण प्रसाद मिलेगा। कितना का है वो संपूर्ण प्रसाद? 171 और एक और बांधने वाला। ये मंदिर का अंदर सबसे पहले यहाँ पूजा होता है। यहाँ पर अभी पंडित जी ने यहीं पर पूजा होता है प्रसाद देकर। फिर यहाँ पर अगरबत्ती से इधर में पूरा चक्कर काटना होता है। और यहाँ पे और भी भगवान है, जैसे राधे कृष्ण है, यहाँ पे मन्नत मांगा हुआ चीज़ सब है। और ये बलि स्थान है, ये दिखाऊंगा। यहाँ अभी बताऊँगा आपको क्या करना है। यहाँ पे एक्चुअली नारियल को फोड़ा जाता है। यहाँ पर अगरबत्ती पहले अगरबत्ती ये सब जगह दिखा दिया जाता है। मंदिर के बाद इधर में अंदर में आना है, फिर से 10 माह भीते होते हैं नीचे में। ये मंदिर है, महाकाल भैरव। फिर यहाँ से सीढ़ी पढ़ाकर यहाँ पे पूजा करके फिर इधर से पूरा चक्कर अगरबत्ती लेकर सभी भगवान को दिखाना है। ये माँ धूमवती का है, ये माँ तारा जी का है, ये यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी जी का है, माँ माँ काली जी का है, माँ षोडशी का है, माँ कमला व मतंगी जी का है। फिर यहाँ पे माँ भैरवी जी का है। फिर यहाँ पे माँ मंगलामुखी जी का है। फिर जैसे यहाँ पे हो गया, इस फ्लोर पे हो गया, फिर उसके नीचे जाएंगे तो हमें ये दिखेगा। इस सीढ़ी से होकर नीचे जाना होगा। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पूजा करना होगा हमें। फिर इधर से सभी यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भविष्य के लिए प्रियदर्शी बाबा का समाधि स्थल। तो पहले से समाधि स्थल बना दें। तो फिर यहाँ पर है माँ भगवती जी, फिर ये सभी अगरबत्ती डालने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पर। इधर में सब वही है, यहाँ घंटी में, यहाँ भी है वही।
ये अगरबत्ती सब डालने के लिए। तो यही भगवान, यही सभी जगह पूजा करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं है यहाँ पर। यही पूजा समाप्त हो गया। बस इसके बाद जाकर आपको एक जगह नारियल फोड़ना होगा। चलिए ऊपर चलते हैं, फिर से वहाँ पर नारियल फोड़ेंगे। वहाँ से आने के बाद यहाँ पर नारियल फोड़ा जाता है एक बार में पत्थर पर डाल। तो ये है माँ काटी में।